Hello students, in this session we are going to start chapter number 8 of SPCC part 1. Chapter number 8 is letters of inquiry regarding financial status and collection letters. Here the letters are divided into two parts. First part is letter regarding inquiry about financial status and second is collection letters. Now, financial status ke inquiry, it is being done by the seller that a consumer is ordering the seller for some goods and samne seller inquiry karte hai ki consumer new hai to unka financial status kaisa hai. Either they are inquiring through bank or they are inquiring through other traders or other firms, those who have done business with them. That is financial status inquiry letter. दूसरा लेटर है कलेक्शन लेटर. कलेक्शन लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस. थ्री रिमाइंडर्स आर गिवन हियर. फर्स्ट रिमाइंडर फॉर द कलेक्शन, दैट इज इफ द गुड्स आर गिवन ऑन क्रेडिट फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 1 month, 2 months और 3 months और लाइक दैट. तो फर्स्ट टाइम रिमाइंडर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज. सेकेंड स्टेज में रिमाइंडर लेटर देते हैं. थर्ड स्टेज में वापस रिमाइंडर लेटर देते हैं. थ्री टाइम्स रिमाइंडर लेटर्स आर बीइंग रिटन. एंड इन द फोर्थ स्टेज द लीगल नोटिस अबाउट द बिल नॉट पेड इज गिवन टू द कंज्यूमर. दैट इज हाउ कलेक्शन लेटर्स आर डिवाइडेड. नाउ फर्स्ट स्टेज इज रिक्वेस्ट लेटर फॉर रेफरेंस. मतलब कि हमें क्या करना है, यहाँ पे इंक्वायरी करनी है अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस. Nothing is mentioned here that who is ordering, who is the seller here, who is the consumer, कौन goods किसके पास से मंगवा रहे हैं या फिर किसके पास से inquiry कर रहे हैं. तो हम अपने आप कुछ भी imagine करके form का नाम लिख सकते हैं. For example, यहाँ पर लिखा है सौंदर्य cosmetics and address. तो cosmetics का form is writing the letter, they are the sender, their contact details, date. एंड यहाँ पे रिसीवर है नववधु नोवेल्टी स्टोर्स. सब्जेक्ट प्रोवाइडिंग रेफरेंस. देन कम्स सैल्यूटेशन एंड देन स्टार्ट्स द बॉडी ऑफ द लेटर. सबसे पहले आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखना है कि आपको लेटर कब मिला है और ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको लेटर मिला. सो थैंक यू फॉर प्लेसिंग ऑर्डर. नाउ ये आपने क्या है कि सौंदर्य कॉस्मेटिक्स ने ये लिखा है कि भाई आपने गुड्स क्रेडिट के ऊपर मांगे हैं. नववधु नोवेल्टी स्टोर्स हैव आस्क्ड द गुड्स फॉर क्रेडिट. तो उसके लिए रेफरेंस लिखना पड़ेगा कि ये भाई फर्स्ट बिजनेस डील है हमारी. तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है. तो डायरेक्टली द फर्म इज बीइंग आस्क्ड कि भाई आप कोई भी जगह से आप रेफरेंस लेटर हमें भेज दो. आप मतलब क्या होता है कि सेलर इज डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग द कंज्यूमर कि आप कहीं बैंक में से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से या फिर कोई भी ट्रेडर के पास से आपके रेफरेंस लेटर ले लो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है. एंड देन लेट अस नो, सेंड दैट लेटर. आफ्टर दैट विल बी सेंडिंग गुड्स ऑन क्रेडिट. ये आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है. सो फर्स्ट लाइन, कब आपको लेटर मिला था. 27th March यू आर राइटिंग द लेटर हियर. सो उसके 4-5 दिन पहले लेटर मिला होगा. सपोज यू आर राइटिंग ऑन 20th March. We received your letter dated 20th March 2016 for placing an order for a large quantity of various cosmetic products. Thank you for placing a huge order with us. कि आपने हमें huge order भेजा. Thank you for us. We also taken note that you want to purchase above mentioned goods on the credit of 50 days. कि 50 days की credit पे आपको goods चाहिए. A first business deal है तो it would be quite difficult for the seller to keep have a trust on the consumer. So it is required from you to furnish reference of a business firm or your bank. कि आपका business firm का reference चाहिए हमें. After having received reference letter from you, it would be possible for us to send goods as per your order. कि आप हमें जब reference letter देंगे उसके बाद हम आपको goods send कर सकते हैं. See, it is not written very अनकाइंड, इन अ वेरी अनकाइंड और इन रफ लैंग्वेज कि भाई आप हमें सबसे पहले आपका रेफरेंस लेटर दो उसके बाद ही हम आपको गुड्स सेंड करेंगे. वी विल सेंड यू गुड्स ओनली आफ्टर वी यू गिव अस रेफरेंस लेटर. दैट इज नॉट रफली मैंशन योर मीनिंग. सबका सेम हुआ लेकिन वर्ड्स, पोलाइट वर्ड्स में बहुत डिफरेंस होता है. क्या लिखा है यहाँ पे
कि दैट आफ्टर रिसीविंग रेफरेंस लेटर फ्रॉम यू हमारे लिए तब पॉसिबल होगा जब आपको गुड सेंड कर सके, मतलब कि यहाँ पे एकदम पोलाइट लैंग्वेज में सब कुछ यहाँ पे बोल दिया है, आई एक्सपेक्ट रेफरेंस फ्रॉम यू। एंड फिर क्लोजर कौन लेटर लिख रहा है यहाँ पे, ऑनर, सो योर्स फेथफुली एक्स वाई जेड ऑनर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में स्वीट लिखा है, कंटेंट इज वेरी गुड, एंड एकदम पोलाइट लैंग्वेज में लिखा है कि हम आपको गुड्स तभी सेंड कर सकते हैं जब आप हमें रेफरेंस लेटर भेजो। नाउ द नेक्स्ट मॉडल लेटर नंबर टू, रिप्लाई टू द रिक्वेस्ट लेटर फॉर रेफरेंस। अब यहाँ पे सौंदर्य कॉस्मेटिक्स वालों ने नववधु को लेटर लिखा था रेफरेंस के लिए, अब यहाँ पे रिप्लाई लेटर लिख रहे हैं। सो सेंडर बिकम्स द रिसीवर हियर एंड रिसीवर बिकम्स द सेंडर। सो नववधु नोवेल्टी स्टोर्स दे वर द रिसीवर ऑफ द लेटर, अब वो सेंडर बन गए और सौंदर्य कॉस्मेटिक्स वो रिसीवर बन गए बिकॉज हम उनको रिप्लाई दे रहे हैं। यू हैव सजेस्टेड अस टू प्रोवाइड रेफरेंस इन योर लेटर डेटेड 27th March 2016। We too believe in following established business traditions and policies. कि आप क्या लिखा है यहाँ पे, बहुत पोलाइट लैंग्वेज में लिखा है कि भाई आपने 27 तारीख को हमें लेटर भेजा था, उसके लिए हम आपको रिप्लाई कर रहे हैं, एंड आपने जो बोला कि आप हमें रेफरेंस लेटर दो, फर्स्ट बिजनेस डील है, उसके बाद हम आपको गुड सेंड करेंगे, सो आपकी जो बिजनेस पॉलिसीज है, आपके जो एथिक्स है, वो हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं। अब रेफरेंस लेटर से पहले आपको ये दिखाना है कि आपका बिजनेस है वो कितने सालों से है, सिंस हाउ मेनी ईयर्स यू आर डीलिंग विद दैट बिजनेस, एंड यू आर हैविंग कॉन्टैक्ट विद विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक और एनी टर्म्स, आपको वो लिखना है कि कौन सी जगह पे आप कॉन्टैक्ट में ज़्यादा हो और कौन से फर्म से आप ज़्यादा डील करते हो, उसका आपको रेफरेंस देना है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सेलर है, ये जो रेफरेंस दिया है कमल फार्मेसी कॉस्मेटिक्स बैंक ऑफ बड़ौदा, ये एड्रेस दिया है, ये कॉन्टैक्ट मतलब ये डिटेल दे दिए कि ये जगह से आपको रेफरेंस लेटर मिलेगा, सो यू विल द सेलर विल गो टू दिस प्लेस। ये जो बायर ने नाम दिया है दोनों फॉर्म का, वहाँ पे सेलर जाएंगे, उनके पास रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं जो सौंदर्य ये नववधु नोवेल्टी स्टोर्स, वो कैसे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस उनका कैसा है, पेमेंट में वो रेगुलर है कि नहीं, लाइक दिस दस सौंदर्य कॉस्मेटिक्स मतलब जो सेलर है वो इन दोनों फॉर्म्स के पास जाएंगे, नववधु नोवेल्टी स्टोर्स के बारे में इंक्वायरी करेंगे। फर्स्ट कमल फार्मेसी, वी हैव बीन डीलिंग इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, और ये फॉर्म का कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एक कमल फार्मेसी एंड कॉस्मेटिक्स का एड्रेस दिया है, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा उसका एड्रेस दिया है एंड कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, यू कैन राइट डाउन योर IFSC कोड। आफ्टर हैविंग रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अबव बिजनेस फॉर्म एंड द बैंक विल एग्जीक्यूट द ऑर्डर प्रॉम्प्टली, कि अब हम इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर प्रॉम्प्टली